अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल जल सिंचाई विभाग में काम करते एक कर्मचारी की लाश अग बुझाऊ टैंक में मिलन नाल हड़कंप मच गया। मरण वाला मृतक रमन कुमार की उम्र 38 साल दसी जा रही है, जो देर शाम ड्यूटी पर तैनात सी। दूजे कर्मचारी ने वेख्या कि रमन कुमार ड्यूटी पर दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने आले दुआले चंगी तरह जांच की, रमन कुमार अग बुझाऊ टैंक में डिग्गा होया सी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेके अगलेरी जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरां तुसी वेख सकते हो, जिथे होर मुलाजमां ते पुलिस की मदद नाल ए लाश टैंक तो कढ़ी गई। ड्यूटी दौरान ये मौत हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कीश कुमार है, जल सप्लाई विभाग का कर्मचारी है। उन्हें आके इतलाह दी कि साढ़े विभाग का ही कर्मचारी रमन कुमार है, वासी हुशियारपुर का रहने वाला है। उन्हें उत्ते जल विभाग की मोटर आ, मोटर के पिछले पासे गटर बनया है, वह पानी पूनी चैक कर लगा तो वेच डिग गया जी गटर दे, जिस कारण उसकी ज़्यादा देर पानी दे रहन करके पानी बहुत बहुत ज़्यादा सी, जिस करके उसकी मौत हो चुकी है जी। पुलिस वालों जी उसके परिवार को इतलाह दी गई है, उसका परिवार आउंदा है तो फिर कार्रवाई अमल में लिया जाऊगी जी। इहदा कुछ सानू पता नहीं जी, असी जदों आए हाँ इत्थे सिर्फ फोन पिया सी ते फायर ब्रिगेड वालिआं ने आके उन्हां नूं मौके ते कढ़िआ। जदों सानू फोन कीता असी ड्यूटी ते उस टाइम मौजूद है जी, जदों सानू फोन आया। इह ड्यूटी किस तरहां सीगी जी? इहनां दी ड्यूटी हाँ मॉर्निंग ड्यूटी सी, 2 to 8 मतलब 8 to 2 ड्यूटी सी मॉर्निंग शिफ्ट, ते 2 to 8 इवनिंग ड्यूटी मेरी सी। इह असी कह नहीं सकते कि उन्हें छाल मारी आ कि होया, हादसा वापरिआ, असी कुछ नहीं कह सकते इस बारे, इस बारे सानू कुछ पता नहीं गे। बट जो जिस चीज़ की तुम गल कर रहे जी वो हैगा घट्टो घट 10-12 फुट आ, ये फायर फाइटिंग का टैंक आ। ढक्कन कितना खुलिया था? एक ढक्कन खुला पिया होया, ढक्कन खोलिया उन्हें, पता नहीं खुला सी या खोलिया की किया, ये बारे सानू कुछ नहीं पता। जो असी मौके पर आए हैं ना, ढक्कन खुला होया, बाकी फायर ब्रिगेड वाले ने